तो दोस्तों आप सभी के लिए बम्पर भर्ती लाया गया है जहां पे टोटल मिला के 6,000 पद है। दोस्तों यहां पर मैं लगभग वेरियस वैकेंसी को बताने आया हूं जहां पर कम से कम 7 से 8 वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसी में टोटल मिला के जो आपका पद होगी आपका टोटल 6,000 है। जहां पे इसका लास्ट डेट है आपका 20 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट है। इसके योग्यता आपका अलग अलग वैकेंसी के अनुसार अलग अलग योग्यता है, किसी में 10th 12th ग्रेजुएशन के अनुसार, और कोई कोई भर्ती आपका शिक्षक के लिए टीचर के लिए लाया गया है, यानी कि इसके लिए आपको पीजीटी टीजीटी के तहत आपका बहाली किया जाएगा। जहां पे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एएनएम हो गया, ग्रेड ए नर्स के तहत, पुलिस के अनुसार, और कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बहाली किया जाएगा। तो इस सारी बातों को बताने आ चुका हूं, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अकाधराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये राज, तो यहाँ पर आप सभी का देख सकते हैं यहाँ पर बम्पर भर्ती है जहाँ पर आपको वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग सेक्टर में आपका भर्ती लाया गया है। जैसे सबसे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि फैकल्टी सहित टोटल 189 रिक्त पदों पर बहाली किया जा रहा है। बगल में आपको गुजरात पुलिस में SI के लिए टोटल 1382 पदों पर, यानी कि लगभग 1400 पदों के लिए बहाली किया जा रहा है। शिक्षक के लिए सुपर सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट के लिए टोटल आपका 173 पद के लिए जो आपको इंटरव्यू बेसिस पे लिए बहाली किया जाएगा। उसके बाद तो उत्तर मध्य रेलवे में टोटल अप्रेंटिस के लिए 480, ये वेरियस पोस्ट देखते हैं, ये सभी बातें को वन बाय वन करके जानूंगा। उसके बाद तो देखते हैं इधर भी, उसमें दोस्तों देखते हैं इधर भी आपका स्टाफ नर्स के लिए टोटल आपका ग्रेड ए के तहत आपका 354, उसके बाद आपका ड्राफ्ट मैन के लिए टोटल 227, सीनियर इंजीनियरिंग के लिए टोटल 9, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टोटल 100-150 वैकेंसी लाया गया है। तो ये सभी बातें को जानूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाले जो भी भर्ती होती है, चाहे तो आपका बिहार SSC के तहत वाली होती है, चाहे तो आपको कांस्टेबल के लिए, चाहे तो आपका टीचर के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में अपटूडेट करते रहता हूँ। अगर हम चाहते हैं ये सारा वैकेंसी से अपडेट रहना, तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। तो चलिए इसको सबसे पहले वन बाई वन करके जान लेता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो कम से कम 3-4 वैकेंसी को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहला है आपका फैकल्टी सहित टोटल 189 रिक्त पद के लिए। दोस्तों योग्यता बताया जा रहा है, आपका आयु सीमा मिनिमम 30 से 70 साल के बीच होना चाहिए। वेतन आपका 19,900 मिलेगी, और आपका यहाँ पर कैसे करें अप्लाई, तो आपको देखते ये रहा आपका वेबसाइट है www.easi.nic.in पर जाकर और फॉर्म फिल करने का सिंपल सा आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज लग रही है, ठीक है। और इसका शैक्षणिक योग्यता सिंपल सा, अगर आप PG किए हुए हैं, MED किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था, अब आते हैं नेक्स्ट गुजरात पुलिस में, जहाँ पे SI के लिए टोटल आपका लगभग 1400 भर्ती लाया गया, जहाँ पर आपको आवेदन करने का 250 रुपये लगेगा। उस पर कैसे आवेदन करें, तो आपका ये रहा वेबसाइट दोस्तों, यहाँ पर आपका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका है। तो यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया बताया कैसे चयन होगी, उस पर आपका योग्यता वेतन नामा कितना दिया जाएगा, उस पर आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, और उम्मीदवार सिंपल सा अगर आपके पास स्नातक डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपका SI के लिए। अब नीचे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपका शिक्षक सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 173 के लिए, जहाँ पर आपका योग्यता सिंपल सा बताया जा रहा है कि प्राप्त संस्थानों से संबंधित विषय में MBBA PG की डिग्री हासिल हो तो, ठीक है। वेबसाइट आपको यहाँ पर दिया गया है www.esi.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम आपको बताया जा रहा है 67 तक होना चाहिए, ठीक है। और तो कैसे करें आवेदन, दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी है अपना 25 से 26 मार्च तक, एक दो तीन दिन बचा आपके पास, जो भी आपका एड्रेस है EMIES चिकित्सा महाविद्यालय बीटा पटना में जाकर आपको हैंड टू हैंड वहां पर अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के लिए टोटल 480 पद है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तो नीचे आते हैं जिला पंचायत गिरिडीह में टोटल 93 पद है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए वो बताया जा रहा है सिंपल सा, अगर आप संस्थान से 60% के अंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 40 साल होना चाहिए, मैक्सिमम वेतन आपका 10,000 से 17,000 के बीच मिलेगी। आवेदन शुल्क करने का तो फी आपका 500 रुपये लगेगी। चयन प्रक्रिया आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए आपको बना है, जहाँ पर 26 मार्च तक आप लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के लिए टोटल 243 पदों के लिए बहाली किया लाया जा रहा है, जहाँ पे आप 31 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिटेल से बताया गया शैक्षणिक योग्यता क्या है, सिंपल सा शैक्षणिक योग्यता अगर आप स्नातक किए हुए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है,
आयुष्मान 25 से 20 से 30 होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये नजर आया कि बीपीएससी ने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 24 पद निकाले हैं, जहाँ पे आपका शेष नियुक्ता सिंपल से दिया गया, इंटरमीडिएट में हासिल होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आवेदन शुल्क आपको 600 रुपये लगेगा। कैसे करें तो आपका देख सकते हैं ये रहा वेबसाइट, इस वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 साल के बीच आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पटना बुलेटिन में सीनियर प्लानर सहित 32 पदों के लिए बहाली किया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट आपका 27 मार्च तक है, ठीक है। 27 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता सिंपल सा, अगर आप पीजी बीटेक किए हुए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना अप्लाई आपको यहाँ पर बताया गया है। वेतन आपका दिया हुआ है, चयनित प्रक्रिया से आपका 25 से 1 लाख के बीच वेतन मिलेगी और शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो आते हैं बगल में, फिर एक आपको यहाँ पर जा रहा है, देखते हैं यहाँ पर आपका सौ के लिए लाया गया है, ठीक है, जो हिंदुस्तान का पेपर के थ्रू लाया गया है। उसके बाद रिम्स में स्टाफ नर्स के लिए ग्रेड 1 स्तर आपका 73 पदों के लिए बहाली किया जा रहा है। यहाँ पर कैसे करें आवेदन आपको यहाँ पर बताया गया है पूरा डिटेल्स। 600 रुपये आपको आवेदन का, 600 आपका अप्लाई करने का फी लग रही है। आयु सीमा 35 से 45 साल होना चाहिए। और वेतन आपको कितना मिलेगा, तो आपका वेतन आपका लेवल 6 7 के अनुसार मिलेगी, ठीक है। हेड मास्टर में टोटल 83 पद के लिए बहाली किया जा रहा है, जहाँ पे आप देखते हैं शैक्षणिक योग्यता आपका आयु सीमा टोटल कैसे करें आवेदन, यहाँ पर टोटल डिटेल्स बताया जा रहा है। दोस्तों मैं बताता हूँ, ये जो पेपर कटिंग है इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सिंपल सा एंड्रॉइड पर थोड़ा सर्च कीजिएगा, जो चैनल आएगा उसे चैनल में जुड़ जाइएगा, जहाँ पर ये सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगी पेपर कटिंग, आप वहाँ से प्राप्त करके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। उसका सीनियर एडिटिंग जो बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्टाफ नर्स में जो आपका ग्रेड 1 के तहत आपका 354 रिक्त पद है, जो वैकेंसी करे अप्लाई, जहाँ पे देखते सक्सनी होता सिंपल सा, आप पीसीबी की के साथ 12वीं एवं जीएनएम किए हुए हैं, डीएनएम किए हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपका उम्र होना चाहिए। कैसे करें आवेदन, तो यहाँ पर आपका वेबसाइट दिया गया है, जैसे ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका अंतिम डेट है आपका 30 मार्च तक है। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट, जो आपका ड्राफ्टमेंट के लिए है, टोटल 227 पोस्ट है। इसका सिंपल सा, अगर आप सिंपल सा तक किए हुए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेतन आपका लेवल 1 से लेवल 5 के तहत दिया जाएगा। कैसे करें आवेदन, आपको यहाँ पर लिंक दिया गया, आप इस लिंक के द्वारा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 4 मई, यानी कि अच्छा खासा इसमें टाइम दिया गया, 2 3 महीने का टाइम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीनियर इंजीनियरिंग सहित अन्य रिक्त पदों का जो है आपका मौका भी मिला है, जहाँ पर सिर्फ 9 पद खाली है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी की डिग्री के साथ, ठीक है। अगर आपका बीएससी डिग्री है पास किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये रहा, आपका वेतन 25,000 से लगभग 1.5 लाख के बीच होगी और अंतिम तिथि आपका 7 अप्रैल तक है। और लास्ट दोस्तों देख सकते हैं ये रहा, जो ऑफिस आपका बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिस के पद रिक्त है, जहाँ पर 150 पद है, तो यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता अगर सिंपल से आपका कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, और इसी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिया गया, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप बाकी पूरा डिटेल्स को जान सकते हैं। और ये फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम तिथि इसका 31 मार्च तक है। दोस्तों ये था आप आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने लगभग 12 नई नई जो वैकेंसी था टोटल, कुछ में 150 सीट, किसी में 300, किसी में 1400, मैं आपको बता चुका हूँ पूरा योग्यता डिटेल्स के साथ। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना, और चाहते हैं इसी तरह वैकेंसी से अप टू डेट रहना तो प्लीज मेरे जैसे बने रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते ही जाना। तो दोस्तों